खोराबार पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी साहिल उर्फ वसीम पुत्र मुन्ना खान उर्फ नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चैन स्निचिंग में मिले 3200 रुपये और लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। कैंट के निर्देशन में इंस्पेक्टर खोराबार और उनकी टीम द्वारा एक शातिर चैन स्नेचर साहिल उर्फ वसीम को गिरफ्तार किया गया है, जिससे हाल में 2 चैन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसकी मॉडस ऑपरेंडाई ये है कि ये व्यक्ति अकेले ही मोटरसाइकिल पे महिलाओं के साथ चैन स्नेचिंग करता है, सुनसान स्थानों पर देख के उनकी चैन खींच लेता है और इनका एक सहयोगी अतुल गुप्ता नामक व्यक्ति है जिसको यह चैन खींचने के बाद उसको सौंप देता है और अतुल गुप्ता मार्केट में बेचता है। अतुल गुप्ता मार्केट में उस चैन को बेचने के बाद इनको पैसा देता है। तो इस तरह से 2 चैन की घटनाएँ, उसने चैन स्नेचिंग एक शाहपुर की एक खोराबार की अभी हाल में घटित हुई थी, 1-9 अगस्त को हुई है और 1-6 अगस्त को शाहपुर में हुई थी। इसने महिलाओं के साथ चैन खींचा था, उसका खुलासा हुआ और दोनों चैन इसने अतुल गुप्ता अपने सहयोग को देते उनसे बचवा दिया था, इसको पैसे मिले। यह अपराध इनका एक तरह से जरायम पेशा है और कहने के लिए बुक बाइंडिंग का काम करता है, लेकिन इसका व्यवसाय ही अपराध है। इसके पहले भी 2015 में 2 लूट के मामले में चैन स्नेचिंग में जेल जा चुका था। इसका सहयोगी अतुल गुप्ता है और ये अतुल गुप्ता की ही मोटरसाइकिल है जिससे इसने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। अतुल गुप्ता फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनसे पैसे की बरामदगी हुई है, जो पाली चैन इन्होंने बेचा था उसे 10,000 रुपये अतुल गुप्ता ने इनको दिया था, उसमें 3200 रुपये के आसपास इनसे मिले, बाकी पैसे खर्च कर चुके हैं। ये जो भी पैसे पाते हैं उसको तत्काल खर्च कर देते हैं। नहीं, शॉप नहीं है, लेकिन उनका गिरफ्तारी के बाद ये तथ्य प्रकाश में आएगा कि किन स्वर्ण व्यवसायियों से उनके संबंध है जहाँ पर चैन को बिक्री करते हैं।